देखते हैं किसके पास कितना टैलेंट है। बहुत ही ज्यादा इजी था। ये कुछ इस टाइप का बन गया है। Guys, it's me Ritali. Welcome back to my channel. I hope all of you are extremely fine and enjoying this lockdown. तो आज है संडे और आज का वाला व्लॉग जो है ये मैं सुबह से शुरू करने वाली थी, बट सुबह से इतना कुछ काम चल रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने के लिए। तो देन शाम को मुझे कुछ बनाना था, क्योंकि लास्ट एक दो हफ्ते से मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ। मैं बना बना के थक चुकी हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ। देन आई थॉट कि आज संडे है, वीकेंड को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मैंने सोचा आज कुछ बनाते हैं। एंड देन आई डिसाइडेड, दिलीप एंड मी बोथ डिसाइडेड कि आज हम मोमोज बनाएंगे। वैसे आजकल जो है ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से मैं काफ़ी लेट सुबह उठ रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट उठ रही हूँ। कभी कभी 10:00, 10:30 ऐसे मैं उठ रही हूँ। बट अभी जो है 2-3 दिन से हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था लॉकडाउन के पहले, वो अभी आई थिंक इन लोगों को परमिशन मिल गया है अभी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, सुबह से कंस्ट्रक्शन जो है शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी आवाज़ आने लग जाता है। तो उस चक्कर में ना आजकल नींद थोड़ा बहुत खुल जाती है मेरा। मैं जहाँ पे रहती हूँ ये बेसिकली रोड के बगल में ही है ये सोसाइटी, तो मेरे घर से रोड एग्जैक्टली दिखता है। एंड रोड के सामने मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी इतने दिनों से बंद था तो हमें कोई आवाज़ नहीं आता था। बट अभी जो है गाड़ी थोड़ा बहुत चलने लग गया है, थोड़ा बहुत नॉइज़ तो होने लग गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा घर का बाहर का सीन। तो ये जो है ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये मेन रोड है और ये एक बिल्डिंग कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था पहले, ये बंद था, अभी फिर से ये लोग चालू कर दिए हैं। और रास्ते पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत गाड़ी जा ही रहा है। तो ये वाला माहौल देख के आप जान सकते होगे जब नॉर्मल डे होता है, जब नॉर्मल था पहले लॉकडाउन के पहले, तब मेरे घर में कितना आवाज़ कितना शोर होता होगा, क्योंकि रोड जो है एग्जैक्टली साइड में ही है और दो दो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन तो वो लोग 24/7 करते थे। अभी जो लॉकडाउन पूरा इतना दिन चल रहा था ना, इतना सन्नाटा था तो मतलब पूछो ही मत, सोने में मज़ा आ रहा था। जो है ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कुछ खाने को, मतलब इस टाइप का। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्ट्रीट फूड और गोलगप्पे हम एक दिन बनाने के लिए लास्ट संडे ही बनाने का ट्राई किए, तो जो पूरी था वो पूरी बिल्कुल भी फुला नहीं, पता नहीं क्या गलती हम लोग कर दिए। फिर मैं सोची कि और इस पर इतना मेहनत नहीं लगाऊंगी, जो बेसिक खाना है उसी को ही खा के हम रहते हैं। यार बहुत बोर हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ कभी कभी ना, इतना डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं नहीं हो पाता है मुझसे, कितना खाना बनाओगे कितना घर पे रहोगे। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी था, तब मैं बहुत कुछ बना रही थी और व्लॉग भी काफ़ी कंटिन्यूसली बना रही थी। अभी जो है ना मैं इतना ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, मुझे इतना डिमोटिवेशन भी फील होता है कभी कभी, तो मुझसे नहीं हो पाता है। आप लोगों को भी डिमोटिवेशन फील होता है क्या? अगर होता है तो डू लेट मी नो। ओके सो बातें बहुत हो गई, अभी चलते हैं हम किचन में, आज हम बनाएंगे मोमोज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मोमोज का जो डो बनाऊंगी, और डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप ऑफ मैदा एंड सम सॉल्ट एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। फिर मैं सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी एंड फिर मैं थोड़ा सा पानी देके इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। एंड देन वी लीव द डो एटलीस्ट फॉर 20 मिनट एंड तब तक मैं मोमोज का स्टफिंग बना लूँगी। एंड स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल ले रही हूँ, 1 कैबेज, 1 कैरेट, 1 ओनियन एंड सम गार्लिक। और यहाँ पे मैं कुछ पनीर को ग्रेट की हूँ। मैं पनीर और वेज मोमोज अलग अलग नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मैं सब कुछ मिक्स कर रही हूँ इसमें। नेक्स्ट मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें सारा वेजिटेबल डाल के उसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा।
एंड द मसाला लुक्स रियली कलरफुल एंड डिलीशियस। मुझे बड़ा मन कर रहा है अभी खाने को। अब हम बनाएंगे मोमोज, और मोमोज हम दोनों बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप का बनाएंगे, देखते हैं किसके पास कितना टैलेंट है यार। तो अभी मैं इसको स्टफिंग करूंगी। ये कुछ इस टाइप का बन गया है। ओके, साइड में अगर हम थोड़ा सा पानी देंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं एक मोमोज का स्टॉल बना लूंगी घर के बाहर। आप आओगे खाने के लिए? ये बड़ा छोटू सा है, क्यूट सा है। ये दुखी वाला है, देखो ये दो आंख है, ये यहाँ पर दुखी वाला है। ये पूरा प्लेट हम बना लिए हैं, जिसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट का शेप का है। हम बना लिए हैं जिसमें बहुत सारा डिफरेंट शेप है। मैं भी बनाई हूँ, गोल गोल वाला सब मैं बनाई हूँ। इतना कुछ करो, सुबह से रात तक खाना बनाओ, दो मोमोज क्या बना लिए, सारा क्रेडिट उनका। चलो तो यहाँ पे पानी स्टीम हो रहा है और मैं ये इडली जिससे बनाते हैं उससे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मोमो जिससे बनाते हैं वो है नहीं, तो मैं इससे ही बना रही हूँ। तो पहले जो है मैं इसमें ऑयल से ऐसे ऐसे कर दूंगी। ये प्लेस हो गया है दो ट्रे में, टोटल जो है 12 मोमोज बन रहा है आज। और इसको जो है मैं बंद कर दूंगी फॉर 10 मिनट। आई थिंक ये हो गया है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता। आई थिंक हो गया है क्योंकि 10 मिनट में हो जाना चाहिए। फाइनली हमारी मोमोज हो गई है रेडी, डिफरेंट डिफरेंट साइज का, डिफरेंट डिफरेंट शेप का बना हुआ है। और इसके साथ मैंने ना ये वाला रेड चिली सॉस, ये और मेयोनीज दोनों के साथ हम खा रहे हैं। सॉस के लिए मैं कुछ डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं की हूँ उसके लिए, नहीं तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। क्या हुआ? Nice. एक गलती हमने किया है, जो मैदा का रोटी बनता है वो बहुत पतला बनाना है, हम आई थिंक थोड़ा सा मोटा कर दिए हैं, जिसके वजह से ना ये ऊपर वाला थोड़ा पका नहीं है। अदरवाइज द टेस्ट इज सुपर्ब। अगर घर पे ऐसा मोमोज बन सकता है ना, मैं तो बाहर से नहीं खाऊंगी, और क्योंकि ये हेल्दी भी है। मैं मोमोज की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई थिंक ये 2 महीने बाद मोमोज खा रहे हैं, फील अमेजिंग। मैं दुखी वाला खाऊं? ये है दुखी वाला मोमोज। तो गाइस मोमोज तो खत्म हो गया, क्योंकि मोमोज बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, इसीलिए हम एक साथ में सारा खत्म कर दिए। और अभी मोमोज के साथ साथ ये वाला व्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोग भी मोमोज ट्राई करते हो घर पे, डू लेट मी नो, मुझे अच्छा लगेगा।
कमेंट करके बताना कैसा लगा रेसिपी। बहुत ही ज्यादा इजी था। रेसिपी बहुत ही ज्यादा इजी था और कम मेहनत में आप घर पे अच्छा वाला मोमोज खा सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो टू दिस वीडियो। दैट्स इट। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। गुड नाइट।